हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी के वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो part-4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहे हैं हम. हम part-1, part-2, part-3 तीनों ख़त्म कर चुके हैं. देखते हैं उसमें क्या है. एक बार याद के लिए, part-1 टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें articles 1-4 थे. और part-2 सिटीजनशिप है, ये articles 5-11 है. और part-3 फंडामेंटल राइट्स 12-35, ये किया है. और पिछले वीडियो में part-4 शुरू किया और article 36 किया. तो आज करना है article 37. तो देखते हैं article 37 में क्या है. एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल. तो इस आर्टिकल में क्या है, जो भी इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई कहाँ करें और कौन करेगा. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, ये गवर्नमेंट के लिए हैं. तो हमारे लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए हैं. गवर्नमेंट के लिए ये कुछ डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं. ऐसा कर रहे तो अच्छा लगेगा, वेलफेयर ऑफ द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये बताने के लिए. ये प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस है ये गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. द प्रोविजंस कंटेंड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. तो इसका क्या मतलब है, अगर फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करें, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, हमें कुछ मिल नहीं रहा हो, राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू फ्रीडम नहीं है, तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कुछ एनफोर्स नहीं हो रहे हैं तो हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं. ये डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में. बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवर द लेस फंडामेंटल. लेकिन क्या है, एक तो कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है कह रहे हैं, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो भी बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये जो प्रिंसिपल्स जो हैं फंडामेंटल हैं. फंडामेंटल राइट्स भी फंडामेंटल बेसिक हैं, ये भी फंडामेंटल हैं गवर्नमेंट के लिए. किस लिए फंडामेंटल हैं, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो ये प्रोविजंस एनफोर्सेबल तो नहीं है कोर्ट में, लेकिन ये बेसिक हैं गवर्नेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो ये एक गाइडलाइंस है, एक तरह के गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए कि हम ऐसे करना है. नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे करें तो पीपल का वेलफेयर होगा. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस. तो ड्यूटी किसका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइंस दिया गवर्नमेंट को, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करने का ड्यूटी किसका है, ये किसका है, द स्टेट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. स्टेट का मतलब हमने article 36 में देखा है हमने कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट इज़ द स्टेट. तो यहाँ से जाके यहाँ तक 21 सेंटेंस हैं, लगेगा मुश्किल है, लेकिन इन पार्ट्स पढ़ने से आसान है. एक बार और देखते हैं, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. तो फर्स्ट पॉइंट है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं. बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, लेकिन एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस. और ड्यूटी स्टेट का है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी प्रिंसिपल्स दिया उसको अप्लाई करने का ड्यूटी स्टेट का है. तो तीन पॉइंट्स है इसमें. सो पॉसिबल क्वेश्चंस देखते हैं, आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स. अभी देखा है हमने, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स. तो रिलेटेड क्वेश्चन है, आर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, उसका आंसर है यस. तो सेकेंड क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉस बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल्स के ऊपर लॉस बनाना किसका काम है, स्टेट का है. थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो.